नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आप सबका इंडिया ट्यू डिफेंस पे। मैं लेके हाजिर हूँ डिफेंस डिस्कशन का एपिसोड 22 और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के लिए निर्माण किए जाने वाले LCA तेजस मार्क 2 के बारे में, जिसे नेवी तेजस मार्क 2 के नाम से भी जाना जा रहा है। और आज हमने नेवी तेजस मार्क 2 को इसलिए चुना है कि इस बारे में पब्लिक डोमेन में काफ़ी कम ही बातें सुनी और कही जा रही हैं। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, एरो इंडिया शो के दौरान हमने तेजस मार्क 2 के नेवी वर्जन में हुए चेंजेस को लेके आप लोगों को रिपोर्ट किया था, लेकिन इस वीडियो में हम उन चेंजेस को एनालाइज करने वाले हैं कि जो भी चेंजेस किए गए हैं वो किस वजह से किए गए हैं और वो क्या क्या बेनिफिट दे सकते हैं नेवी तेजस मार्क 2 के लिहाज से। और इस बारे में ऑनलाइन पोर्टल्स पे इन्फॉर्मेशन तो हैं लेकिन वो उतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा इसे टेक्निकली एनालाइज किया जाए कि इसमें किए गए मॉडिफिकेशन क्यों किए गए हैं और क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जान लेते हैं किसी भी नवल एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा, नवल एयरक्राफ्ट की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ये कम से कम डिस्टेंस में टेक ऑफ करना चाहिए और इसकी लैंडिंग भी उतने ही डिस्टेंस में हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे टेक ऑफ और डिस्टेंस की लैंडिंग लिमिटेड है नवल एयरक्राफ्ट के लिए। एयरक्राफ्ट के पास पर्याप्त फ्यूल होना चाहिए, मतलब इसका फ्यूल टैंक बड़ा होना चाहिए, और नवल एयरक्राफ्ट कम्प्लीटली स्टेबलाइज होना चाहिए। तो ये तीन मुख्य फैक्टर हैं जो कि सभी नवल एयरक्राफ्ट में होने ही चाहिए। तो इनको मद्देनजर रखते हुए तेजस मार्क 2 के नेवी वर्जन में कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। इसमें IAF के तेजस मार्क 2 की तरह कनार्ड्स नहीं दिए गए हैं, बल्कि विंग को ही थोड़ा चौड़ा कर दिया गया है। तकरीबन 9 मीटर चौड़ा कर दिया गया है विंग को, और विंग का जो अपर सेक्शन है उसको थोड़ा क्लोज और थोड़ा ऊपर कनेक्ट किया गया है फ्रंट फ्यूसेलाज से, जो कि अवियोनिक्स बे के जस्ट नीचे है। तो इसमें पहला मॉडिफिकेशन तो ये है कि इसके विंग के अपर एरिया का कनेक्शन थोड़ा ऊपर किया गया है और विंग के अपर एरिया को भी थोड़ी विड्थ दी गई है। इसमें जो दूसरा चेंज है वो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर्स को लेके है। इसमें हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर्स ऐड किए गए हैं जो कि मूव कर सकते हैं। और इसमें जो तीसरा सबसे मेजर चेंज है वो इसकी लेंथ को लेके है, उसको बढ़ा दिया गया है 2 मीटर से, जिसका मतलब ये है कि तेजस मार्क 2 जो एयरफोर्स के लिए है उसकी लेंथ से तकरीबन 2 मीटर इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया गया है, जिसकी वजह से इसका जो फ्यूल टैंक होगा वो IAF के तेजस मार्क 2 से बड़ा होने जा रहा है, जो कि इसकी रेंज को बढ़ाएगा। और किसी भी नवल एयरक्राफ्ट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका इंजन, और जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा इसमें लगने जा रहा है GE द्वारा निर्मित F414, जो कि बिना किसी आफ्टर बर्नर के यूज किए क्रूज करने में सक्षम है। और इस तरह के फंक्शन फ्यूल को सेव करते हैं कॉम्बैट के दौरान, और फ्यूल सेव होने से आपके फाइटर जेट की रेंज बढ़ जाती है, और जो कि बहुत ही आवश्यक है किसी भी कैरियर बेस्ड फाइटर के लिए। अब बात कर लेते हैं ये मॉडिफिकेशंस क्यों किए गए होंगे। तो जो इसके विंग की विड्थ बढ़ाई गई है उसको बेसिकली टेक ऑफ डिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए बढ़ाई गई होगी। इसके विंग बढ़ जाने से एक्स्ट्रा लिफ्ट क्रिएट हो पाएगा, तो ये पहला और प्राइमरी रीज़न है। और इसका दूसरा रीज़न ये है कि ये एक्स्ट्रा वेपन कैरी कर पाएगा अपने ड्यूअल पायलन से। और आप सबको इतना तो पता ही होगा कि ड्यूअल पायलन पे क्लोज कॉम्बैट मिसाइल्स लगने जा रही हैं तेजस मार्क 2 के। अगर ड्यूअल पायलन को भी मिला दो तो इसमें तकरीबन 12 हार्ड पॉइंट होने जा रहे हैं, जो कि किसी भी कैरियर बेस्ड फाइटर के लिए काफ़ी आवश्यक है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वेपन कैरी कर सके। तो इसको फाइनलाइज करते हैं कि इसकी लिफ्ट पावर को इम्प्रूव करने के लिए इसके विंग का जो विड्थ है उसे बढ़ाई गई है, और वो भी 8 मीटर से। और इस एयरक्राफ्ट को और स्टेबल बनाने के लिए इसमें हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर्स दिए गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक मेजर एडिशन मानता हूँ मैं तेजस मार्क 2 के इस वेरिएंट में। और इसको ही अच्छे से एनालाइज करेंगे, जैसे कि हमने कनार्ड को एनालाइज किया था IAF के मार्क 2 के लिए। तो यहाँ पे क्यों दिया गया है हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर्स? तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर्स किसी भी एयरक्राफ्ट के लॉन्गिट्यूडनल बैलेंस, या फिर आप जिसे ट्रिम कहते हो, उसको अच्छा करने के लिए ये हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर्स लगाए जाते हैं। सो बेसिकली ये एक वर्टिकल फोर्स जनरेट करता है जो कि काउंटर बैलेंस कर देता है पिच मूवमेंट को, और जिससे कि एयरक्राफ्ट स्टेबल हो पाते हैं और एयरक्राफ्ट को एक वर्टिकल फोर्स मिल पाता है लिफ्ट में, और जिसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वर्टिकल फोर्स और ये पिचिंग मूवमेंट दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं और एयरक्राफ्ट स्टेबलाइज हो पाता है। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर्स ऐड करने का दूसरा मेजर रीजन ये हो सकता है कि इसके डिजाइनर्स ये चाहते होंगे कि इस एयरक्राफ्ट को, मतलब LCA नेवी मार्क 2 को, लॉन्गिट्यूडनल स्टैटिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाए। आपको बता दूं ये वो स्टेबिलिटी होती है जिसके अंतर्गत कोई भी एयरक्राफ्ट हवा में खड़ा हो जाता है, मतलब हवा में अपने आप को रोक सकता है। तो उस चीज़ को बढ़ाने के लिए भी यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर्स ऐड किए गए हैं। और हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर्स ऐड करने का तीसरा रीज़न ये है कि जब ये लैंड कर रहा होगा तो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर्स के मूवमेंट को अप एंड डाउन करके ड्रैग फोर्स जनरेट किया जाएगा, और जिसकी वजह से ये स्टेबलाइजर्स एज अ ब्रेकिंग सिस्टम काम करेंगे और एयरक्राफ्ट को मदद करेंगे कि वो कम ही डिस्टेंस में रुक जाए। तो ये तीन बड़े रीजन हैं हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर्स ऐड करने के किसी भी नवल फाइटर जेट पे। और इंडिया के LCA नेवी मार्क 2 में लगने जा रहा है IAF के MFW की तरह ही GSh-23 गन, और ये इक्विप्ड होगा उन सभी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट
और अवियोनिक सिस्टम से जो कि तेजस मार्क 2 एयरफोर्स के फाइटर में होगा, हमने IAF के MFW फाइटर को अच्छे से एनालाइज किया है। अगर आपको वीडियो देखना है तो यहाँ पे आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो। और LCA-Navy Mk2 में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए रिफ्यूलिंग प्रॉप दिया जाएगा और इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट दिया जाएगा जिसकी वजह से ये अरेस्टर हुक को पकड़ पाएंगे और किसी भी डेक पे अपने आप को रोक पाएंगे लैंडिंग के दौरान। तो उसके लिए इसमें लाइट अरेस्टर हुक डिज़ाइन किया गया है और उसके साथ ही इसमें भी दिया जाएगा इंफ्रारेड ट्रैक एंड सर्च सिस्टम। और ये सारे सिस्टम एंड कॉन्फ़िगरेशन साथ मिलके LCA-Navy के तेजस मार्क 2 को एक अच्छा फाइटर बनने में हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए नेवी मार्क 2 के डिज़ाइन को कंक्लूड करते हैं। तो इस डिज़ाइन में हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर्स या फिर टेल स्टेबलाइजर्स का ऐड करना इस बात को साफ करता है कि इसके जो डिजाइनर्स हैं स्टेल्स के ऊपर एरोडायनेमिक्स को चुना है। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बात की हुई है कि स्टेल्स और एरोडायनेमिक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ पे एयरक्राफ्ट को स्टेबिलिटी देने की पूरी कोशिश की गई है और इस नेवी तेजस मार्क 2 के जो फ्यूल टैंक्स होंगे वो बड़े होंगे जैसा कि आप अभी देख रहे होंगे। इसके एयर इंटेक को भी मॉडिफाई किया गया है पहले के कंपेयर में और इसके फ्यूल टैंक की ब्लेंडिंग है विंग के साथ वो थोड़ी ब्रॉड है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो ऑल इन ऑल इस एयरक्राफ्ट को स्टेबिलिटी और ज़्यादा लिफ्ट देने के लिए ये कुछ मॉडिफिकेशन इसमें किए गए हैं। तो LCA-Navy तेजस मार्क 2 के एनालिसिस में इतना ही। तो ये था तेजस मार्क 2 के बारे में हमारा छोटा सा एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है गिव अस अ लाइक, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।